राजद की सिल्वर जुबली स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जितनी बातें की उसे सारे लोग जो पटना कार्यालय में जुड़े थे सभी ने सुना। साथ ही लालू यादव भी वर्चुअल तौर से जुड़कर उनका भाषण सुनते रहे। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी लालू यादव के बगल में आकर बैठ गई। इस बीच अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने बताया कि वे लोग कैसे बचपन में नारा लगाते थे। हर घर में गाड़ी घुमाते रहते थे, झंडा धोते रहते थे, तो हमको तो काफी प्यार स्नेह लोगों ने दिया है। लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, जो बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके उम्मीदों पे हम जरूर खड़ा उतरेंगे, उनके विश्वास को हम जरूर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कुछ कमी हम लोगों से हो गई हो तो सब लोगों से माफी भी मांगते हैं, छोटे हैं हम लोगों की तो सीखने की उम्र है, सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबों से होती है। लेकिन अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान वही बनता है जो अपने गलतियों को समझ के सुधार करके आगे बढ़े, वही कामयाब होता है। और हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है, और वो प्रयास पर व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, चाहे पार्टी के सभी लोग हो, ईमानदारी से आप याद कीजिए, बिना आदरणीय लालू जी के शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे हम लोगों के बीच। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोग ढूंढता था, याद करता था, लालू जी नहीं है क्या होगा। लेकिन ठीक ही कहा कि लालू जी नाम नहीं बल्कि लालू जी विचार है, उस विचार को आप कैद नहीं कर सकते। उस विचार के साथ सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, गैर बराबरी, लोगों को बराबरी हो, समानता हो, अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित समाज को आगे मुख्य धारा में लाना हो, दंगाइयों को परास्त करना हो, सब लोगों ने हम लोग, और जो वाकई में बिहार की समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि सबसे बड़ा अगर बिहार में समस्या है तो बेरोजगारी का समस्या। हम लोग ने प्रयास किया, आगे ले जाया, लोग कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन बिहार की जनता ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अति पिछड़े हो, सब लोगों ने दिल खोल करके लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने का काम किया। और आदरणीय लालू जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग उनको देख सकते हैं, बैठे हैं। और जो प्रसन्नता के भाव आप लोगों के चेहरे से जो झलक रहा है, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रहा है कि भाई आपका नेता वापस आ गया, हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार आए, फिर से अपने काम में लगे। लेकिन काम में वो देखिए कहीं भी हो, कहीं भी रहे, लेकिन लगातार बिहार की जनता और देश की जनता को लेकर के हमेशा चिंतित रहे, परेशान रहे। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खास तौर पे हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बूथ पे उन्होंने जो काम किया है, जिस हिसाब से चुनाव में एकता का परिचय दिया है, बिना संसाधन के लालू जी के विचार को, और जिस जोश के साथ परिचय दिया कि राष्ट्रीय जनता दल को
कोई करिश्मा, कोई तेजस्वी या जनता बाबू या तेज बाबू या सिद्दीकी जी या तिवारी जी का नहीं। ये करिश्मा था असल मुद्दे को उठाने का, और हमने जनता के मुद्दे को उठाया और जनता ने हमारा साथ दिया। आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तब लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर बीच बीच में हल्की मुस्कान दिख रही थी। शायद उन्हें तेजस्वी यादव को इस तरह से भाषण देते हुए देखकर अच्छा महसूस हो रहा था। तेजस्वी यादव ने बताया कि किस तरह लालू यादव भले ही कैद में थे, मगर वो सिर्फ एक इंसान नहीं है जिसे कैद किया जाए, वो एक विचार है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। बिहार इंसॉर्ट से मैं पूजा प्रिया। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।